नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जी कमल नेगी और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं एक नया सेक्शन स्टार्ट करने वाला हूं कंप्यूटर का, जिसमें मैं आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा। दोस्तों देखिए, आजकल के दौर में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा कंपल्सरी हो गया है। छोटे से छोटे बच्चे या बड़े से बड़े व्यक्ति के लिए कंप्यूटर आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है और आजकल लगभग हर कंप्यूटर एग्जाम में कंप्यूटर के रिगार्डिंग क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि HSSC ने भी अब जो कंप्यूटर क्वेश्चन जो आजकल HSSC ने आजकल जो पेपर लेने स्टार्ट किए हैं, तो उन्होंने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दिए हैं। अभी उन्होंने बताया है कि जो हरियाणा पुलिस का एग्जाम होगा उसमें भी 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे। बैंकिंग में अलग से एक पोर्शन कंप्यूटर पे आता है, जिसमें वो 40 से 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कंपल्सरी हो गया है, इसलिए मैं आज से एक सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ कंप्यूटर का, जिसमें आपको हर हफ्ते में एक या दो वीडियो कंप्यूटर के रिगार्डिंग बना करके दूंगा। दोस्तों, मैं कंप्यूटर बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से, कि यहाँ तक कि अगर एक छोटा बच्चा है तो वो भी इस वीडियो को देख करके आसानी से कंप्यूटर को समझ सकता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है जी कंप्यूटर एंड पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसके जिससे आप दो काम कर सकते हैं, वर्क एंड प्ले। या तो आप कंप्यूटर पे बैठ करके कोई भी काम कर सकते हैं, या फिर आप कंप्यूटर पे बैठ करके गेम खेल सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, कंप्यूटर जो वर्ड है वो निकला है वर्ड कंप्यूट से। कंप्यूट का मतलब होता है टू कैलकुलेट, इसका मतलब होता है गणना करना। तो कंप्यूटर से आप नॉर्मली चार बेसिक फंक्शन कर सकते हैं। आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि आप किसी भी अंक को जमा कर सकते हैं, घटा कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं या फिर भाग कर सकते हैं। तो नॉर्मली कंप्यूटर से आजकल के टाइम पे बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। दोस्तों, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। हाउ मेनी मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर? एक कंप्यूटर के मुख्य कितने पार्ट होते हैं? तो देखिए दोस्तों, चार मेन पार्ट होते हैं किसी भी कंप्यूटर के। सबसे पहला है जी मॉनिटर। तो देखिए मॉनिटर के बारे में कि मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर इज लाइक अ टेलीविजन। जैसे हम लोगों के घर में टेलीविजन होता है, मॉनिटर बिल्कुल वैसा ही होता है। मॉनिटर का काम क्या है जी? टू डिस्प्ले रिजल्ट। जो भी हम कंप्यूटर पर काम करते हैं, मॉनिटर उसे दिखाता है। मान लीजिए अगर मैं कीबोर्ड से टाइपिंग कर रहा हूं, तो मुझे मॉनिटर पर दिखाया जाएगा कि मैं क्या टाइप कर रहा हूं। ऐसे ही अगर मैं कोई भी काम करता हूं, तो मॉनिटर उसे मुझे दिखाता है। तो मॉनिटर पर मैं देख सकता हूं कि मैं क्या काम कर रहा हूं। फिर नेक्स्ट मेन पार्ट आता है जी सीपीयू। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। जैसे हम लोगों के शरीर में मस्तिष्क हमारा मेन पार्ट है, वैसे ही कंप्यूटर में मेन पार्ट होता है जी उसका सीपीयू। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। This is also called main part of a computer. इसे कंप्यूटर का मुख्य भाग भी कहा जाता है। जैसे मस्तिष्क के बिना हमारा शरीर बेकार है, वैसे ही सीपीयू के बिना कंप्यूटर बेकार है। तो सीपीयू इज द मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। तीसरा मेन पार्ट आता है जी कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है जी? कीबोर्ड इज लाइक टाइपराइटर। कीबोर्ड एक टाइपराइटर की तरह होता है। जैसे हमने टाइपराइटर देखा होगा, सेम वैसा ही आपका कीबोर्ड होता है। वेरियस बटन कॉल्ड की। कीबोर्ड पर बहुत सारे बटन होते हैं जिन्हें कीज कहा जाता है। और कीबोर्ड का मेन फंक्शन होता है जी टाइप। अगर हमें कुछ भी टाइप करना है तो उसके लिए हम कीबोर्ड का यूज करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट मेन पार्ट आता है जी माउस। देखिए माउस क्या होता है। माउस इज लाइक अ रियल माउस। जैसे हम लोगों ने घर में रियल में जो माउस जिसे चूहा बोला जाता है वैसा देखा है, माउस की शेप भी बिल्कुल वैसे ही होती है। टू और थ्री बटन्स ऑन इट्स टॉप। इसके ऊपर दो या तीन बटन होते हैं। एंड लॉन्ग टेल नोन एज वायर। और इसकी एक लंबी पूंछ होती है जिसे हम वायर बोलते हैं। यूज टू सिलेक्ट टेक्स्ट एंड ड्रॉ पिक्चर। माउस का प्रयोग हम किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं, या फिर कोई भी पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए करते हैं। जैसे माउस की सहायता से आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद उसके ऊपर कोई भी फंक्शन या ऑपरेशन लगा सकते हैं, या फिर आप MS पेंट में जा करके कोई भी पेंटिंग कर सकते हैं या कोई भी पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। स्क्रॉल बटन ऑन इट्स टॉप इज यूज्ड टू मूव द स्क्रीन अप एंड डाउन। इसके ऊपर एक स्क्रॉल बटन होता है
जिसका प्रयोग आप स्क्रीन को ऊपर या नीचे करने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए कर सकते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस, इसे पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। प्लेस्ड ऑन द फ्लैट सरफेस नोन एज माउस पैड। माउस को एक फ्लैट सरफेस पर रखा जाता है, एक सपाट सतह पर रखा जाता है, जिसे हम बोलते हैं माउस पैड। एक माउस पैड के ऊपर माउस को रखा जाता है। देन उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, एडिशनल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ये थे जी चार मेरे मेन पार्ट। फिर उसके बाद बात आती है एडिशनल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के अलग से कौन से पार्ट होते हैं। उसमें पहला आता है जी प्रिंटर। अब देखिए प्रिंटर किस लिए यूज होता है, टू प्रिंट द वर्क डन बाय अस ऑन अ पेपर। जो भी हम काम करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, अगर आप उस काम को एक पेपर पर प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंटर की सहायता से कर सकते हैं। मान लीजिए मैं कीबोर्ड से टाइपिंग करता हूं, तो कीबोर्ड में यूज करता हूं टाइपिंग के लिए, और मुझे वो टाइपिंग नजर आती है मॉनिटर पर कि मैं टाइप कर रहा हूं। मॉनिटर पर जो मुझे वो चीज नजर आ रही है उसे मैं सॉफ्ट कॉपी बोलता हूं, पर अगर मैं उसे प्रिंट करना चाहता हूं कागज पर, तो मैं प्रिंटर की सहायता से उसे कागज पर प्रिंट कर सकता हूं, और अगर मैं पेपर पर उसे प्रिंट कर लेता हूं तो उसे बोला जाता है हार्ड कॉपी। तो दोस्तों प्रिंटर का यूज होता है जो भी हम काम करते हैं उसे पेपर पर प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट मेरा एडिशनल पार्ट है जी स्पीकर। अब देखिए स्पीकर्स क्या होता है, टू लिसन टू साउंड ऑन कंप्यूटर। अगर मैं कंप्यूटर पर कोई भी साउंड, कोई भी ध्वनि सुनना चाहता हूं या कोई संगीत सुनना चाहता हूं, तो मैं जिस पार्ट का यूज करता हूं उसे बोलते हैं स्पीकर। स्पीकर की सहायता से आप कंप्यूटर के ऊपर कोई भी गाना सुन सकते हैं, कोई ध्वनि सुन सकते हैं। नेक्स्ट मेरा एडिशनल पार्ट आता है जी यूपीएस। यूपीएस क्या होता है, यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ऐसी पावर सप्लाई जो अनइंटरप्ट नहीं करती है, मतलब कि आप कह सकते हैं इट कीप्स अ कंप्यूटर ऑन, यह कंप्यूटर को ऑन रखता है इवन व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ, तब भी जब आपकी लाइट ना हो। यदि मान लीजिए आप कंप्यूटर पर बैठ करके काम कर रहे हैं और आप कोई जरूरी काम कर रहे हैं, और अगर एकदम से लाइट चली जाए तो मेरा वो सारा का सारा काम बेकार हो जाता है, पर अगर मैंने यूपीएस लगा रखा है तो यूपीएस की सहायता से वो मेरा कंप्यूटर एकदम से बंद नहीं होगा। अगर मेरी लाइट चली भी जाती है तो मेरा कंप्यूटर ऑन रहेगा, मेरे पास कुछ समय होगा 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट, हर एक यूपीएस का अलग अलग बैकअप होता है, तो उसके हिसाब से मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा, मैं अपना जो मैं काम कर रहा हूँ उस काम को मैं अच्छे से कर सकता हूँ और उसे मैं आराम से सेव कर सकता हूँ। मतलब कि जैसे आप लोग घर में एक छोटा इन्वर्टर यूज करते हैं, तो वैसे ही यूपीएस कंप्यूटर के लिए एक छोटा इन्वर्टर का काम करता है। उसकी सहायता से आप थोड़ी देर तक काम कर सकते हैं लाइट जाने के बाद भी, और उस काम को आसानी से सेव कर सकते हैं, तो आपकी सारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी अगर आपने यूपीएस लगाया हुआ है। दोस्तों आप अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको लाल रंग में एक सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन नजर आ रहा होगा, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और एक नीली घंटी का निशान नजर आ रहा होगा, आप जल्दी से उस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंचेगा। दोस्तों तो ये था मेरा कंप्यूटर एंड पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो आज से मैंने आप लोगों को एक नया सेक्शन बना करके देना स्टार्ट किया है। तो दोस्तों आपने मुझे बताना है कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। आपके जितने भी लाइक्स आएंगे तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो बनाया हुआ अच्छा लगा, और मैं ऐसे ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना करके दूंगा। और ये वीडियो जो मैं कंप्यूटर के डालूंगा वो मैं उस नाम से डालूंगा, जैसे कंप्यूटर डे 1, कंप्यूटर डे 2, कंप्यूटर डे 3, तो ऐसे मैं इस वीडियो को डालूंगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।